Okay, hello everyone. I welcome you all on this platform. And in today's particular class, we are going to learn gerund. And I hope you have watched the previous lecture in which we have covered infinitives. Okay? आप लोगों ने I hope previous lecture देख लिया होगा जिसमें हम लोग infinitives को cover किए थे. ठीक है? Infinitives क्या होता? उस चीज के सारे function को cover किया गया था. तो आज non-finites का second part gerund को बहुत ही detail में समझेंगे. ठीक है ना? आप लोग concentration के साथ देखोगे lecture को. ऐसे बहुत सारे students को इसमें confusion होता है. ठीक है कि gerund का भी verb का ing form होता, verb भी ing form ही होता. ठीक है? और participle भी verb का ing form ही होता है. तो बहुत ही confusion create हो जाता है यहाँ पे. ऐसे बहुत लोग, बहुत students जानते भी होंगे. ठीक है? अगर आप जानते भी हो तो अगर थोड़ा सा lecture को fast करके भी देख सकते हो. कुछ ना कुछ आपको new जरूर सीखने को मिलेगा last तक, है ना? तो अब gerund का use actually में क्यों पड़ा हमें? ठीक है? Language में gerund. ठीक है? तो gerund बेसिकली ऐसे तो आप बोल रहे हो कि एक नॉन फाइनाइट का पार्ट, नॉन फाइनाइट वर्ब है. ठीक है ना? हम लोगों ने क्या कल कैटेगराइजेशन किया कि नॉन फाइनाइट को थ्री पार्ट में कैटेगराइज किया गया. फर्स्ट को बोला गया इन्फिनेटिव्स, सेकंड gerund एंड थर्ड इज पार्टिसिपल, है ना? ऐसा ही हम लोगों ने कैटेगराइज किया. तो देख रहे हो इनडायरेक्टली तो उसे बोला जा रहा है कि वो एक वर्ब है, बट एक्चुअली में इसका सेंटेंस में फंक्शन एक वर्ब का नहीं होता. क्या होता है? नाउन का फंक्शन होता है. ठीक है? अब कैसे इस चीज का फंक्शन होता? तो कल आपको एक चीज और बताया गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बहुत ही छोटा सा पॉइंट लेकिन मैटर करता बहुत ज्यादा, कि कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, जिसको आप ऑब्जेक्ट को प्रेडिकेट भी बोलते हो, ठीक है ना, सेंटेंस के सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो या तो नाउन हो सकता है या तो कोई प्रोनाउन, मोस्टली. ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कोई भी सेंटेंस के सब्जेक्ट की बात करें तो वो या तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल में एक नाउन होगा या तो एक प्रोनाउन होगा, और सिमिलरली प्रेडिकेट भी वैसा ही होता. तो जैसे अगर आप किसी वर्ब को जब सब्जेक्ट बनाने की जरूरत आई, जब किसी वर्ब फॉर्म को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ी, तब हमें gerund का जरूरत हुआ. ठीक है? जैसे आपको सिंपल एग्जांपल से समझोगे, जैसे आप बोलोगे कि सुबह में ग्रीन टी लेना हेल्दी होता है. ठीक है? तो इस सेंटेंस को अगर आपको बोलना होगा तो अगर वर्ब के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप बोलोगे कि टेक ग्रीन टी, ठीक है ना, टेक ग्रीन टी इन द मॉर्निंग, टेक ग्रीन टी इन द मॉर्निंग इज हेल्दी, अगर ऐसा कोई बोले बंदा. ठीक है? ये रॉन्ग हो गया. क्यों रॉन्ग हो जाता? क्योंकि अब टेक की बात करोगे तो टेक तो हमारे सेंटेंस का वर्ब हुआ, और कभी भी किसी सेंटेंस को स्टार्टिंग किसी वर्ब से तो नहीं हो सकता ना. आप बेसिकली स्ट्रक्चर की बात करोगे तो सेंटेंस का सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वर्ब लिखते हैं, तब प्रेडिकेट ही बेसिक स्ट्रक्चर होता है. तो यहां पे ये जो टेक वर्ब लिखा हुआ है, इसको हमें कन्वर्ट करना होता है नाउन के फॉर्म में. तो जैसे आप इसको नाउन बनाना चाहोगे तो आप इसमें क्या कर सकते हो? आईएनजी ऐड कर सकते हो. क्या ऐड कर सकते हो? आईएनजी. जैसे इस वर्ब के फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दोगे और ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा जाएगा, तो अब ये कोई वर्ब नहीं रहा. क्या हो गया सर? gerund. और इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये फंक्शन किस चीज का कर रहा है. एक्चुअली में इनफैक्ट ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है ना, और फंक्शन किस चीज का कर रहा है? नाउन का. ये चीज आप लोग समझ में आया? ठीक है? टेकिंग ग्रीन टी बोलना सही हुआ, टेक ग्रीन टी बोलना क्या हो गया? गलत. टेकिंग ग्रीन टी इन द मॉर्निंग इज हेल्दी, ऐसा आप बनाओगे. ठीक है ना? अब बाय द वे कोई और तरीका है क्या इस सेंटेंस को लिखने का? तो बिल्कुल है. कल भी हम लोगों ने इस चीज को समझा कि ये जो gerund का फॉर्म लिखा गया है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो इन्फिनिटिव से भी. अगर आप बोलोगे टू टेक ग्रीन टी, क्या बोलोगे? टू टेक ग्रीन टी. ओनली अगर टेक ग्रीन टी बोले तो वो गलत हो गया, लेकिन जैसे बोलोगे टू टेक ग्रीन टी तो ये टू टेक अब वर्ब नहीं रहा सर, क्या हो गया? नाउन. यही चीज को आपको ध्यान में रखना है. ठीक है? या तो अब वर्ब में आईएनजी ऐड कर दो तो वो gerund का फंक्शन करने लगेगा, वो भी एक नाउन है. ठीक है? या तो इन्फिनेटिव के फॉर्म में लिखो, टू टेक बोलोगे तो वो भी नाउन का फंक्शन, तो वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो सकता है. ठीक है ना? जैसे अगर हम बोले कि सुबह में बेसिकली वॉक करना या रन करना ये सब अच्छा हो, जैसे आप देखो कि एक वर्ब को सब्जेक्ट बनाने की जरूरत हुई, ठीक है, तब हमें gerund की जरूरत है. बोलते हो रनिंग इन द मॉर्निंग, क्या बोलोगे? रनिंग इन द मॉर्निंग. ठीक है ना? इस टाइप से सेंटेंस बनेगा. देखने में तो आपको ये लग रहा है वर्ब, रन तो एक्चुअली में होता वर्ब है, और इसमें आईएनजी बनाओगे तब भी आप बोलोगे कि तो देखने में वर्ब लग रहा है सर, लेकिन ये वर्ब नहीं, फंक्शन किस चीज का यहाँ पे? ये नाउन का कर रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है. ठीक है ना? तो रनिंग इन द मॉर्निंग इज बेनिफिशियल या गुड फॉर हेल्थ, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है ना? किसी को बोलेगा कि खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, उसकी हॉबी है, तो क्या बनाओगे सेंटेंस? कुकिंग फूड. ठीक है ना? कुकिंग फूड इज हिज एंड हर हॉबी.
ठीक है, इस टाइप से सेंटेंस बनते हैं। ओके, तो आप ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हो कि वर्ब का सेंटेंस का स्टार्टिंग जो है बेसिकली वर्ब के आईएनजी फॉर्म से हो रहा, तो वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म इनफैक्ट एक वर्ब ना हो करके क्या है, एक नाउन है। यही फंक्शन है हमारे किस चीज का, जेरंड का। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो आप पूरे यूसेज को समझोगे कि जेरंड का यूज हम लोग किस किस सिचुएशन में कहां कहां पे करते हैं, है ना। अब बेसिकली लिखा गया एक लाइन कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म इज यूज्ड एज अ नाउन नोन एज जेरंड, या आप इसको क्या बोल सकते हो, वर्बल नाउन। ठीक है, ऐसे तो टेक्निकली सब इसको जेरंड के नाम से ही जानते हैं, बट आप इसको वर्बल नाउन भी बोल सकते हो। वर्बल नाउन बोलने के पीछे पर्पस क्या हुआ, क्योंकि वर्ब है, एक्चुअली में वर्ब है, लेकिन फंक्शन किस चीज का कर रहा, नाउन का, इसलिए आप इसको एक नाम और दे सकते हो, वर्बल नाउन। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखोगे, लिखा गया जेरंड इज यूज्ड आफ्टर सर्टेन वर्ब्स। अब आपको यह समझना होगा, कल भी हम लोगों ने यह चीज समझा कि कुछ पार्टिकुलर वर्ब्स होती है जिसके बाद हम लोग इन्फिनिटिव्स का यूज करते हैं, एंड कुछ पार्टिकुलर वर्ब्स होती है जिसके बाद हम लोग जेरंड का यूज करते हैं। ये धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा। देखा कि जेरंड इज यूज्ड आफ्टर सर्टेन वर्ब्स दैट एक्सप्रेस हाउ अ पर्सन फील लाइक एन एक्टिविटी। जैसे आप देखो ये क्या लिखा गया, जैसे अगर कोई बंदा बोले आई इंजॉय स्विमिंग, क्या बोला गया सर, आई इंजॉय स्विमिंग, ठीक है ना। तो ये देखो इंजॉय वर्ब का यहाँ पे हमारा फाइनाइट वर्ब हुआ, ठीक है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हुआ है। लेकिन इस स्विमिंग की बात करें तो ये देखने में तो आपको वर्ब लग रहा है, देखने में तो आपको वर्ब लग रहा है, बट ये सेंटेंस में क्या यूज कर रहा है, फंक्शन किस चीज का कर रहा है, नाउन का। आप क्या पूछोगे, आई इंजॉय व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई क्या हुआ, स्विमिंग। तो व्हाट का रिप्लाई ऑलवेज क्या होता सर, नाउन ही होता, ठीक है ना। जैसे अगर हम बोलेंगे सी रियली इंजॉयज, ठीक है, सी रियली इंजॉयज प्लेइंग चेस, देखो प्लेइंग चेस, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ध्यान दोगे कि यही आई के अकॉर्डिंग लिखा जा रहा था इंजॉय, लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट को सी बना दिया गया तो सी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ा इंजॉयज, ठीक है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो आपको वर्ब को भी सिंगुलर करना पड़ा, लेकिन ये जो प्लेइंग लिखा हुआ है ये तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म बेसिकली एज इट इज ही रहा, क्लियर। तो ये एक पर्सन के इंटरेस्ट को बता रहा कि नहीं, ठीक है, कि उसे इस चीज में बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट आता है, वो किसी एक्टिविटी को लेकर किसी एक्शन को लेकर क्या फील करता है उसी चीज को हम लोग बताते हैं। बेसिकली एक फंक्शन इसका ये भी होता है, किसका, जेरंड का। तो लिखा गया सी रियली इंजॉयज व्हाट, सी रियली इंजॉयज व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई आप क्या बोलोगे, प्लेइंग चेस, बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा, ठीक है ना। ये चीज आप लोग समझ में आ गया, जैसे बोला जाएगा सी डिनाइड गोइंग देयर, ठीक है, डिनाई का मतलब आप लोग समझते हो। अब यहां पे कंफ्यूजिंग वर्ड है रिफ्यूज एंड डिनाई, ठीक है ना, रिफ्यूज एंड डिनाई। थोड़ा सा आप इसका सिनोनिम्स भी देखोगे तो रिजेक्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर रिफ्यूज को समझने की कोशिश करें, हिंदी मीनिंग तो सबका इनकार करना ही होता है, लेकिन कॉनोटेशन का फर्क होता है बेसिकली। जैसे आपको कोई प्रपोजल दिया जाता, जैसे आपको कोई फ्रेंड बोलता है कि भाई चलो शाम में थोड़ा मार्केट घूम कर आते हैं, ठीक है, बट आपका मूड नहीं है, तो आपने उसके प्रपोजल को क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, ठीक है ना, आपने मना कर दिया कि नहीं मन, मेरा मन नहीं है जाने का। लेकिन डिनाय के सेंस में यूज होगा बेसिकली, जैसे आप पे कोई एक्विजिशन लगाया जा रहा है, ठीक है, एक्विजिशन की आपने चोरी की है, ठीक है ना, यू हैव स्टोलन द पेन, एक पेन की चोरी हो जाती है और आपसे बोला जाता है यू हैव स्टोलन द पेन, तो आप बोलोगे कि नहीं मैंने नहीं चुरा, आई हैव नॉट स्टोलन, ठीक है ना, इस टाइप से आप बोले हुए, तब आप क्या कर रहे हो, आप पे एक एक्विजिशन लगाया जा रहा है, लेकिन आप इनकार कर रहे हो इस चीज से, इस सेंस में यूज होता है डिनाई। बस हिंदी मीनिंग सेम है बट कॉनोटेशन का फर्क हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग समझे, जेरंड का फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एक नाउन के तरीके से सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड जेरंड। अब ये नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। इस चीज को हम लोग और धीरे धीरे समझते हैं, और कुछ सर्टेन वर्ब्स 10-15 ठीक है 20 ऐसा वर्ब्स होता है जिसके पास पार्टिकुलर हम लोग क्या सिर्फ एंड सिर्फ जेरंड को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है, सिर्फ एंड सिर्फ जेरंड लिखा जाता है, उसका भी लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इन्फिनिटिव्स एंड जेरंड में कि किस वर्ब के बाद आप इन्फिनिटिव्स का यूज करते हो और किस वर्ब के बाद जेरंड, और बहुत सारे वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिसके बाद इन्फिनिटिव्स एंड जेरंड दोनों यूज किया जाता है और मीनिंग में कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है ना। उस चीज को भी हम लोग डिटेल से देखते जाएंगे, तो आप लोग बेसिकली एक नजर इसको देख लो, अभी बेसिकली समझने पे देखने पे फोकस करना होता है, ठीक है। आप लेक्चर फिनिश होने के बाद आप नीचे नोट्स लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे नोट्स बनाओगे, ठीक है ना, अभी सिर्फ समझने पे फोकस करोगे। ओके, तो एक नजर देखो, प्रोसीड करते हैं।
गाइस हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं बेसिकली, ठीक है, कि कुछ वर्ब्स वर्ड्स फॉलोड बाय जेरंड, ठीक है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिसके बाद ऑलवेज बेसिकली आप जेरंड का यूज करते हो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों ने समझा कि जेरंड का फंक्शन क्यों हुआ, ठीक है, जेरंड का यूज हम लोगों को सेंटेंस में क्यों पड़ी, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट में देख लो कि वर्ड्स फॉलोड बाय जेरंड, तो ये चीज आपको माइंड में रखना होगा। अब इतना सारा वर्ड माइंड में कैसे रहेगा, यहाँ पे तो लिखा हुआ, ये भी 10-15-12 लिखा हुआ है, ठीक है, आपको लिस्ट में पूरा मिला, नीचे मिला, मतलब नोट्स में मिलेगा पूरा लिखा हुआ, ठीक है ना। तब पूरा का पूरा वर्ड याद कैसे, रटना नहीं है चीजों को, ठीक है, आपको प्रैक्टिस से चीजें माइंड में सेट होती है, ठीक है। आप रट नहीं लोगों के इसके बाद जेरंड का यूज करते हैं, इसके बाद इन्फिनिटिव का यूज करते हैं, ऐसे रटना नहीं है, ठीक है। आप जैसे यूज करोगे ना, तब आपको एक क्लैरिटी आएगी, आपको माइंड में ये चीज सेट होता जाएगा, है ना। तो जैसे एक बार देखा जाएगा तो कौन कौन सा वर्ब है, जैसे लिखा गया कीप, लव, लाइक, हेट, डिनाय, इंजॉय, स्टॉप, डिले, फिनिश, रिकॉल, स्टार्ट, फॉरगेट, अवॉइड, इतना सारा वर्ब लिखा गया बेसिकली। तो आप इसके जस्ट बाद बेसिक आप कौन सा फॉर्म यूज करोगे, जेरंड का फॉर्म। इसमें दो तीन वर्ब ऐसा भी है जिसके बाद आप इन्फिनिटिव का भी यूज करोगे तो वो भी सही होता है, ठीक है ना। वो सब चीज को हम लोग देखते चलते हैं, क्लियर। तो जैसे आपके पास एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल है राहुल स्टार्टेड डैश अ लेटर, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे स्टार्ट की बात करें तो स्टार्ट एक ऐसा वर्ब होता है जिसके बाद आप जेरंड को यूज जेरंड यूज करते हो, ठीक है, एज अ नाउन। एज अ नाउन आप क्या यूज करते हो सर, जेरंड। तो आपके पास ऑप्शन में लिखा हुआ है राइट, ठीक है, तो राइट को अगर जेरंड का फॉर्म देना होगा तो क्या करोगे, राइट में सिर्फ आई एन जी एड करोगे, यही ना करोगे, ठीक है। तो राइटिंग लिख दिया गया तो ये हमारा जेरंड का फॉर्म बन गया, राहुल स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर, सिंपल सेंटेंस हुआ, ठीक है। ही डिनाइड, फिर से आप जानते हो कि डिनाई की बात करें तो डिनाई की बात भी आप क्या यूज करते हो, जेरंड। तो ही डिनाइड डैश द ब्राइब, ठीक है, ब्राइब आप लोग जानते हो, घूस वगैरह। तो टेक का आई एन जी फॉर्म बनाओगे तो क्या हो जाएगा, टेकिंग, ही डिनाइड टेकिंग द ब्राइब, ऐसे सेंटेंस बनेगा। सी एंजॉयड डैश द मूवी, अब आपके पास लिखा हुआ है वॉच, तो एंजॉय के बाद भी आप बेसिकली जेरंड लिखने की कोशिश करोगे, तो वॉच को अगर जेरंड बनाया जाए तो क्या लिखोगे, वॉचिंग, ठीक है ना। सी एंजॉयड वॉचिंग द मूवी, अब आपको समझना कि क्यों ये नाउन है, ठीक है, तो फिर से समझोगे, राहुल स्टार्टेड वॉट, राहुल स्टार्टेड व्हाट, तो देखो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं राइटिंग अ लेटर, खुद ही तो बोल रहे हो आप लोग, ठीक है। तो राइटिंग अ लेटर अपने आप में क्या हुआ, व्हाट का रिप्लाई, इस वजह से नाउन हो गया वो, ठीक है। ही डिनाइड व्हाट, तो आप खुद ही बोल रहे हो टेकिंग द ब्राइब। सी एंजॉयड व्हाट, तो वॉचिंग द मूवी, क्लियर। तो जैसे ही व्हाट का रिप्लाई की बात कर रहे, तो ये नाउन हो गया हमारा, है ना। लिखा गया ही हेड्स, ही हेट्स, फिर जानते हो हेट के बाद बेसिकली हम जेरंड का फॉर्म लेकर चलते हैं, ठीक है। ऐसे हेट एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद इन्फिनिटिव लिखना भी सही होता, ठीक है। ये सब हम लोग सारे लास्ट में डिस्कस करेंगे किसके साथ क्या होता है, ठीक है। तो ही हेट्स टेलिंग अ लाई, या आप बोल सकते हो ही हेट्स टू टेल अ लाई, ये दोनों सही हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। तो यही कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके बाद जेरंड एंड इन्फिनिटिव दोनों सही माना जाता है, क्लियर। लिखा गया आई अवॉइड, तो अवॉइड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, अवॉइड के बाद हम बेसिकली जेरंड का यूज करते हैं। अब आपके पास ऑप्शन में लिखा है गो, तो गो को जब जेरंड का फॉर्म दोगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग, आई अवॉइड गोइंग देयर, ऐसे सेंटेंस बनेगा। ही स्टॉप्ड, अब यहाँ पे मीनिंग समझोगे, ही स्टॉप्ड, स्टॉप एक ऐसा भाव होता है जिसके बाद इन्फिनिटिव भी सही माना जाता है, जेरंड भी। जैसे आप बोलोगे ही स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम, ही स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम, या बोल सकते ही स्टॉप्ड टू टॉक टू हिम। अब देखो दोनों सेंटेंस सही हुआ लेकिन दोनों का मीनिंग चेंज हो गया, आप बहुत ही ध्यान से समझोगे मीनिंग क्या चेंज हुआ दोनों में। यहाँ पे हेट के साथ इन्फिनिटिव एंड जेरंड दोनों यूज किया गया तो दोनों के मीनिंग में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। लेकिन स्टॉप के साथ जब आप इन्फिनिटिव का यूज करोगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, और जेरंड का यूज करोगे तो कोई और सेंस तैयार होता है, ठीक है। जैसे लिखा गया ही स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम, तो इसका मतलब आप क्या समझे, ही स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम, इसका मतलब आप क्या समझे, कि उसने उससे बात करने बंद कर दी, ठीक है, उससे बात नहीं होता, ही स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम। लेकिन जैसे ही आप इसको पढ़ोगे ही स्टॉप्ड टू टॉक टू हिम, अब यहां पे क्या तैयार हुआ कि दोनों बंदे जा रहे थे, ठीक है, एक उधर से और एक इधर से जा रहा था, ही स्टॉप्ड, वो रुका उससे बात करने के लिए, दोनों में डिफरेंस है, एक में बात करना ही बंद हो गया तो आप क्या बोलोगे, ही स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम। लेकिन जैसे आप किसी से रुकते हैं रास्ते में बात करने के लिए तब वहां पर इन्फिनिटिव का यूज करोगे, ही स्टॉप्ड टू टॉक टू हिम, ठीक है ना। ही स्टॉप्ड, रुकने का पर्पस क्या था, तो टू टॉक टू हिम, समझ रहे हो ना, ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है, ओके। लिखा गया बी शुड ऑलवेज कीप, अब देखो कीप आपके पास वर्ब का फॉर्म है तो कीप के बाद आप जेरंड ही लिखते हो, ठीक है। बी शुड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, ठीक है, ऐसा हम लास्ट में भी बोलते हैं कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, वो है ना ये चीज, ओके। फिर लिखा गया सी लव्स,
सी लव्स, अब आपके पास ऑप्शन में लिखा है डांस, तो डांस का जब आईएनजी फॉर्म बनाओगे तो क्या लिखोगे, डांसिंग, सी लव्स डांसिंग, या यहां पे आप बोल सकते हो सी लव्स टू डांस, दोनों बोलना सही हुआ और दोनों का मीनिंग में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो कुछ वर्ब्स ऐसी होगी जिसमें आप इन्फिनिटिव्स का यूज करोगे, जेरंड का यूज करोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होगी जिसमें आप इन्फिनिटिव्स का यूज करोगे तो मीनिंग कुछ और जेरंड का यूज करोगे तो मीनिंग कुछ और कुछ पार्टिकुलर वर्ब ऐसी होती है जिसके बाद ओनली स्पेसिफिकली हम लोग सिर्फ एंड सिर्फ जेरंड का यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग समझे। ओके, आप थोड़ा सा यहां पे देखोगे एक चीज कि जैसे आप हेट की बात करो या लाइक की बात करो, लव, ठीक है, एक वर्ड और प्रीफर, ठीक है, ये तीन चार अगर वर्ड की बात करें तो इसके बाद आप इन्फिनिटिव लिख रहे हो या जेरंड लिख रहे हो तो इसके मीनिंग में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस टाइप से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कोई बंदा यू बोलते हो आई एंजॉय प्लेइंग चेस, आई एंजॉय वॉचिंग टीवी, ठीक है, सी एंजॉयज कुकिंग फूड, देख लो सब वर्ड यूज किया जा रहा है, तो इसके बाद कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ठीक है, ही एंजॉयड प्लेइंग बैडमिंटन, इस टाइप से कुछ भी सेंटेंस आप बना सकते हो। ठीक है ना, आई हेट टेलिंग लाइज, आई हेट गोइंग देयर, क्लियर। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा कि कौन कौन सा वर्ड के बाद हम लोग जेरंड का यूज करते हैं। ठीक है, अभी और आगे चलते जाएंगे तो आपको और क्लैरिटी आती जाएगी। ओके, तो एक मिनट आप इसको देखो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ओके गाइस, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बेसिकली डिफरेंट फंक्शन ऑफ जेरंड को देखते हैं। ठीक है ना, और जेरंड का कहां कहां पे यूज किया जाता है, किस किस सिचुएशन में, कोई भी सेंटेंस में जेरंड क्या क्या फंक्शन कर सकते हैं, उस चीज को देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले लिखा हुआ है एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, एक जेरंड सेंटेंस का क्या हो सकता है सर, सब्जेक्ट हो सकता है, एज एन ऑब्जेक्ट या तो किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो सकता है, एज अ कॉम्प्लीमेंट, एक सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है ना, ये चार चीजों पे हम लोग देख रहे हैं, या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट की बात करोगे, या तो कॉम्प्लीमेंट की बात करोगे, या तो प्रीपोजिशन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की बात करोगे। ठीक है, अब जितने स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है ना, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है, क्या लिंकिंग वर्ब होता है एंड क्या डायनेमिक वर्ब होता है, ये चीज आपको क्लियर होगा अगर आप देखे होंगे तो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा गया वॉकिंग इज, चलो एक एग्जाम्पल लिखा गया स्टडिंग ऑनलाइन इज वेरी कॉन्वीनियंट, क्या लिखोगे, स्टडी ऑनलाइन is very convenient, studying online, देख रहे हो कि verb का ing form sentence के starting में use किया गया, तो ये actually में verb नहीं है, sentence का क्या है, subject, और subject basically noun ही होता, clear, तो आज के date में क्या, studying online is very convenient, okay, देखा गया, walking is good for health, देख रहे हो, फिर से वही example दिया गया, walking, तो walk ing form लगाया गया, तो ये sentence का subject बन गया gerund के form में, अगर सिर्फ walk लिखोगे तो ये walk लिखना गलत हो जाएगा, या तो आप इसको infinitive के form में बनाओ, तो infinitive बनाने के लिए आपको to के साथ verb का first form लिखना है, या तो उसी verb को ing बना दो, दोनों में से कुछ भी लिखोगे तो वो relevant है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास एक थर्ड एग्जाम्पल है वर्किंग फ्रॉम होम, तो आज के डेट में वर्किंग फ्रॉम होम अलाउज अ पर्सन टू वर्क इन कम्फर्ट, ठीक है, आज के डेट में वर्क टू होम हो गया ना, ठीक है, वर्किंग फ्रॉम होम अलाउज अ पर्सन टू वर्क इन कम्फर्ट, देखो वर्किंग फ्रॉम होम, फिर से जेरंड का यूज किया गया स्टार्टिंग में ही, तो ये तीनों एग्जाम्पल आप लोग समझे कि जेरंड का यूज एज अ सब्जेक्ट के तौर पर होता है, फर्स्ट एग्जाम्पल आपको समझ में आया। नेक्स्ट आप देख रहे हो सी लव्स गोइंग टू मूवीज, फिर से देखोगे सी लव्स गोइंग टू मूवीज, यहाँ पे going verb का ing form हुआ, तो ing form तो है, but यहाँ पे function किसी का कर रही है सर, noun का, जैसे आपसे पूछेगा she loves what, तो आप what का reply दोगे going to movies, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया gerund, तो यहाँ पे sentence का क्या है object है, क्या है sentence का object, he delayed paying his electricity bill, he delayed paying his electricity bill, तो देख लो फिर से pay में ing लगाया गया, तो ये verb तो देखने में तो verb लग रहा है, बट एक्चुअली में है क्या ये noun, function gerund, gerund का function कर रहा है, एक noun है, he delayed what, तो what का reply दोगे paying his electricity bill, है ना। her hobby, देख लो her hobby is riding horse, her hobby is riding horse, तो फिर से ride तो एक verb हुआ, इसमें ing लगाए तो ये riding use हो गया, ये gerund के form में। अब यहां पे आपको समझना होगा कि ये राइटिंग क्या ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे ये सेंटेंस का एक्शन वर्ब नहीं, यहां पे एक लिंकिंग वर्ब है, एक लिंक कर रहा सिर्फ, ठीक है, यहां पे कोई एक्शन की बात नहीं की जा रही है, एक स्टेट, उसके स्टेट जो प्रेजेंट में उसका एक हैबिट है वो बताया जा रहा है कि हर हॉबी इज राइडिंग हॉर्स, तो यहां पे कोई एक्शन तो है नहीं, एक स्टेटमेंट की बात की जा रही है, तो ये जो आपको लिखा हुआ है ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं, सेंटेंस का क्या है सर, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। फिर लिखा गया हिज बैड हैबिट is gambling, his bad habit is gambling, तो देखो gambling ing लगाया गया, ठीक है, और यहाँ पे भी ये कौन सा verb,
लिंकिंग वर्ब हुआ, सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट के तरीके से यूज हुआ है। फिर लिखा गया ही इज गुड एट सिंगिंग। अब यहाँ पे देखो कि ये चीज, ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आया कि सेंटेंस में कैसे कोई भी जेरंड ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है या कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट से हम लोग समझे कि एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ, सेकंड हम लोग समझे कि ऑब्जेक्टिव एज अ ऑब्जेक्टिव एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ, और थर्ड से हम लोग समझे कि एज अ कॉम्प्लीमेंट कैसे यूज हो रहा है। अब नेक्स्ट देखोगे कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के तरीके से कैसे यूज होता है। तो लिखा गया ही इज गुड एट, तो एट की बात करें तो एट अपने आप पे प्रीपोजिशन हुआ, और जब हम लोग प्रीपोजिशन समझेंगे तो इस चीज पढ़ेंगे तो और अच्छे से चीज होगी कि प्रीपोजिशन बेसिकली सेंटेंस में यूज होता है तो किसी नाउन के लिए ही यूज होता है। ठीक है, वो नाउन को ही तो रिलेट करता। अब नाउन बेसिकली डायरेक्टली यहां पे तो लिखा हुआ नहीं है, ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म आपको दिखाई दे रहा, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेकिन प्रीपोजिशन के बाद यूज हुआ था, ये एक्चुअली में है क्या, एक नाउन है। ठीक है, तो नाउन का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के तरीके से फंक्शन कर रहा है। ही आई फॉरगेट व्हाट, आई फॉरगेट व्हाट, तो रीडिंग दिस बुक्स, तो रीडिंग आईएनजी फॉर्म, फिर से जेरंड यूज हुआ। देख लो जेरंड का क्या फंक्शन हो रहा है जो। ठीक है, नेक्स्ट लिखा गया ही इज अफ्रेड ऑफ, तो ऑफ फिर से प्रीपोजिशन, इसके बाद जेरंड लिखा गया, ही इज अफ्रेड ऑफ चीटिंग, ही इज अफ्रेड ऑफ चीटिंग। समीर इज यूज्ड टू ड्राइविंग एट नाइट, इज यूज्ड टू ड्राइविंग। अब आप लोग बोलोगे कि टू तो यूज टू, टू तो टू के बाद तो हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ऐसा ही बेसिकली कंसीडरेशन होता है कि टू के बाद तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, लिखते जरूर है बेसिकली, लेकिन बहुत सारा सिचुएशन ऐसा होता है कि वो यूज्ड टू जो है, जैसे बोलोगे लुकिंग फॉरवर्ड टू, हैबिचुएटेड टू, एकस्टम टू, प्रोन टू, बहुत सारा ऐसा प्रीपोजिशनल फ्रेज आएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, प्रीपोजिशनल फ्रेज, या इसको आप कंपाउंड प्रीपोजिशन बोलते हो। तो ये एक्चुअली में टू जो है प्रीपोजिशन होता है, इस वजह से इसके बाद हम लोग वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, ना कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ऐसा सेंटेंस बनेगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ठीक है ना, तुमसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा यू नो। फिर लिखा गया समीर इज used to driving at night, he is ambitious of, ambitious of, फिर से preposition यूज हुआ, इसके बाद gerund, आप लोग ध्यान से देख रहे हो ना, he is ambitious of becoming a business tycoon, he is ambitious of becoming a business tycoon। फिर लिखा गया next example, some citizens believe in what, believe in breaking the rules, some citizens believe in breaking the rule। देखो तो break का ing form बनाया गया gerund के form में। okay, तो I hope different functions आपको समझ में आ गया कि कैसे कोई भी sentence का subject हो सकता है gerund, कैसे कोई sentence का object भी हो सकता है, या तो complement हो सकता है या prepositional object हो सकता है। okay, आप लोग यहां तक समझ में आया होगा, आप लोग एक नजर देखोगे फिर proceed करते हैं। Okay, कुछ और इसके यूजेस अदर फंक्शंस ऑफ जेरंड को देखते हैं। ठीक है ना, दो तीन पॉइंट और इसमें है, देखोगे जैसे बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात होती है। ठीक है ना, अगर ये जानते ही होगे बहुत सारे बच्चे, माई, योर, आवर, हिज, हर, ये सब जो यूज होते हैं बेसिकली हमारा ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव की बात करोगे तो जैसे क्या बोलते हो, I like your pen, सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, I like your pen, तो pen अपने आप में नाउन हुआ, इसका मतलब your इसके पहले जो यूज हुआ है, ठीक है, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। तो यही तो हम लोग समझ रहे हैं ना कि जेरंड जो एक्चुअली में है होता क्या, एक नाउन ही तो है। ठीक है, देखने में ये भाव लग रहा है बट होता तो नाउन ही है, इसका मतलब हमें समझ में आया कि जब पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात की जाएगी तो इसके जस्ट बाद भी आप क्या यूज कर सकते हो, जेरंड यूज कर सकते हो, क्योंकि होता है इनफैक्ट ये नाउन ही तो है। ठीक है, और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे लिखा गया आई अप्रिसिएट योर हेल्पिंग, ठीक है ना, यू आर हेल्पिंग मी। अब यहाँ पे देखोगे सेंटेंस पढ़ने में बहुत अजीब लग रहा, आई अप्रिसिएट योर हेल्पिंग, ठीक है, बट यहाँ पे देखोगे हेल्पिंग एक्चुअली में नाउन है, तो इसके जस्ट पहले जो वर्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव के फॉर्म में, तो योर अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव ही तो है। कौन सा एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब आपके एग्जाम में क्या दिया हो रहेगा बेसिकली, कि आई अप्रिसिएट यू हेल्पिंग मी, ऐसा लिखा हो रहेगा, आई अप्रिसिएट यू हेल्पिंग। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यू बोलना वहां पे गलत हुआ, क्योंकि यू तो ऑब्जेक्टिव केस है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, क्यों, क्योंकि इसके जस्ट बाद नाउन लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा, तो बोलेगा आई अप्रिसिएट योर हेल्पिंग मी, योर हेल्पिंग, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ मोहित्स अराइविंग, अच्छा ये अराइविंग की बात करें तो अराइविंग अपने आप में नाउन हुआ, मोहित्स अराइविंग ऑन टाइम सरप्राइज्ड मी, उसका समय पर आना, यू नो वो बच्चा कभी टाइम पर नहीं आता था लेकिन कल टाइम पे आया, ठीक है, वो सरप्राइज, तो मोहित अराइविंग ऐसा बोल रहे हो। आई रिमेम्बर
You're talking to me. I remember you're talking. तो देख रहे हो टॉकिंग जब वर्ब का ing फॉर्म है तो भी नाउन हुआ तो इसके जस्ट पहले योर पॉजिटिव एडजेक्टिव है. यही आपको समझना है, ठीक है ना. तो ये चीज आपको समझ में आ गई कैसे कोई भी जेरेंड पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद यूज होता है. क्यों होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद, क्योंकि एडजेक्टिव है तो इसके जस्ट बाद हमें नाउन ही तो चाहिए और नाउन जेरेंड नाउन ही तो होता है ना. नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन. ठीक है, अभी भी हम लोग देख रहे हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ कैसे यूज होता है. ठीक है, जैसे लिखा गया व्हाट वाज हर रिएक्शन ऑन हियरिंग द न्यूज. व्हाट वाज हर रिएक्शन ऑन आप यहां पे प्रिपरेशन हुआ, इसके जस्ट बाद देखो नाउन लिखा हो गया है जेरंड के फॉर्म में. ठीक है, लिखा गया ही टोल्ड मी द जोक विदाउट लाफिंग. विदाउट ए प्रिपरेशन तो इसके बाद लिखा गया लाफिंग, तो लाफिंग जेरंड. समझ रहे हो ना. लिखा गया दे आर एफ्रेड ऑफ, देखो ऑफ एफ्रेड ऑफ आप प्रिपरेशन तो इसके बाद फिर से जेरंड. लॉसिंग द वॉच, they are afraid of losing the watch, है ना? फिर लिखा गया used with some phrase, कुछ phrases भी होती है उसके साथ भी हम लोग basically इस चीज का यूज करते हैं. जैसे लिखा गया it is no use crying over spilt milk. एक कहावत बेसिकली आप सुनोगे, एक saying होगा, ठीक है, कि अगर जो चीज हो गया उस चीज पर regret करने से कोई फायदा नहीं है तो उस चीज को आप इंग्लिश में बोल सकते हो it is no use crying over spilt milk. ठीक है ना, एक इनडायरेक्ट वे में कि अगर दूध गिर गया बेसिकली आपके हाथ से छूटकर तब रोने से कोई फायदा थोड़ी ना. ठीक है, आप उसको थोड़ी ना आप उठा सकते हो. इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क. देख रहे हो तो क्राइंग वर्ब का क्या हुआ, आईएनजी फॉर्म, लेकिन यहाँ पे वर्ब नहीं, क्या है सर, जेरंड. लिखा गया इट इज नो गुड हेल्पिंग द टेररिस्ट. हेल्पिंग फिर से आईएनजी फॉर्म, तो ये वर्ब नहीं, क्या है, जेरंड. फिर लिखा गया द सीनरी ऑफ कश्मीर इज बर्थ सीइंग. देखो इस टाइप से भी हम लोग जेरंड का बर्थ सीइंग सीइंग आईएनजी फॉर्म. द रामायण इज बर्थ रीडिंग. ठीक है, बर्थ रीडिंग. क्लियर, यही आपको ध्यान देना होता है कि कहां कहां पे हम लोग वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करें. अब बेसिकली जब आप पार्टिसिपल पढ़ोगे तो आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि सर पार्टिसिपल भी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो वो भी तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, और अगर आप एक वर्ब की बात करोगे इज एम आर के साथ भी तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हो, तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा. ठीक है ना, आप धीरे धीरे बढ़ते जाओगे कहां किस सिचुएशन में कहां पे जेरंड हो रहा है, ठीक है, कहां पे पार्टिसिपल उस चीज को बोलेंगे और कहां पे वो एक्चुअली में वर्ब है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला. ठीक है ना, तो आप लोग एक नजर इसको देखोगे आप ये पॉइंट समझ में आ गया. अब हम लोग लास्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग जेरंड एंड इन्फिनिटिव को कंपेयर करके देखेंगे. किस चीज को, जेरंड. कल हम लोगों ने इन्फिनिटिव्स पढ़ा, तो अब इन्फिनिटिव एंड जेरंड दोनों को कंपेयर करते हैं कि किस वर्ब के साथ इन्फिनिटिव्स एंड जेरंड दोनों का यूज किया जा सकता है और किसके साथ आप इन्फिनिटिव्स लिखोगे तो गलत हो जाएगा और किसके साथ जेरंड लिखोगे तो गलत होगा और सेंस में क्या फर्क आता है. ओके, तो एक नजर देखो फिर प्रोसीड करो. ओके गाइस, अब हम लोग जेरंड एंड इन्फिनिटिव्स को कंपेयर करके देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, कि कहां पे जेरंड का यूज होगा एंड कहां पे इन्फिनिटिव. ठीक है, आप थोड़ा सा समझोगे. कल हम लोगों ने इन्फिनिटिव्स का लेक्चर कवर किया था. ठीक है, उसको देखने के बाद दोनों में कंपेयर करोगे. ठीक है, अगर नहीं देखो तो पहले उस लेक्चर को भी देख सकते हो. ओके, तो सबसे पहले लिखा गया आपको कि वर्ब्स फॉलोड बाय जेरंड. ठीक है, ये सब वर्ब आपको माइंड में रखना होता है. रटने के लिए नहीं बोला जा रहा है. ठीक है, क्रैमिंग नहीं करना कि रटने लगो इसके बाद जेरंड इसके बाद इन्फिनिटिव, ऐसा नहीं. ठीक है, प्रैक्टिस करोगे यूज करोगे सेंटेंस बोलने लगोगे तो वो अपने आप अपने माइंड में सेट हो जाता है ना. तो जेरंड की बात करें तो फर्स्ट वर्ड आपका अवॉइड, फिनिश, कंसीडर, डिस्कस, डिसलाइक, एंजॉय, फील, कीप, एप्रिसिएट, डिनाय, रिकॉल, रिकमेंड. इतना सारा आपको लिस्ट बनाएगा कि इसके बाद आप बेसिकली यूज करोगे तो क्या, जेरंड का फॉर्म. ठीक है, अगर नाउन की जरूरत होगी तो आप जेरंड का फॉर्म यूज करोगे. ओके, अगर इन्फिनिटिव्स की बात करें तो वॉन्ट, होप, एग्री, डिसाइड, प्लान, चूज, प्रॉमिस, नीड, लर्न, मैनेज एंड रिफ्यूज. इतना सारा वर्ड है, इसके बाद आप बेसिकली इन्फिनिटिव्स की बात करोगे. ठीक है, इतना ही नहीं होता, लिस्ट तो और है, बेसिकली आपको नोट्स में वो लिखा हुआ मिलेगा, बट जो प्रोमिनेंटली यूज होता है वो आपको सामने लिख दिया. ठीक है, वो आपके सामने बेसिकली लिख दिया गया है. ओके, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसी होती है, ठीक है, वर्ब्स फॉलोड बाय बोथ इन्फिनिटिव्स एंड जेरंड. ठीक है, कुछ वर्ब्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ वर्ब्स के बाद आप जेरंड एंड इन्फिनिटिव दोनों लिखते हो, कंफ्यूज नहीं होना है. दोनों लिखने से एक कुछ वर्ब्स के बाद मीनिंग चेंज होता भी है एंड कुछ के बाद मीनिंग चेंज नहीं होता, वो आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा. जैसे लाइक, लव, हेट एंड प्रीफर, दीज टाइप्स ऑफ वर्ब अगर बेसिकली यूज किया जाता है सेंटेंस में जिसके बाद आप जेरंड भी लिखोगे या इन्फिनिटिव लिखोगे तो दोनों के मीनिंग पे कोई भी फर्क नहीं आने वाला. ठीक है ना, लेकिन अगर रिमेंबर एंड स्टॉप दिस टाइप का अगर वर्ब लिखा गया तो इसके बाद अगर इन्फिनिटिव यूज करते हो तो उसका सेंस ऑल तैयार होता है एंड जेरंड यूज करने का मीनिंग कुछ और तैयार होता. ठीक है, तो एग्जांपल से आप लोग समझोगे. ये लिस्ट पे आपको ध्यान देना, ये जेरंड से फॉलो किया जाता, ये इन्फिनिटिव से फॉलो किया जाता एंड ये बोथ से. क्लियर ना, जैसे लिखा गया सी लाइक्स प्लेइंग चेस. फिर से देखोगे प्लेइंग, तो यहां पे आप टू प्ले भी लिखोगे तो ये भी मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. आई लाइक प्लेइंग, फिर से
टू प्ले लिखोगे तो यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सी प्रीफर्स टू गो ऑन टूर, सी प्रीफर्स टू गो, टू गो को अगर गोइंग भी कर दोगे तो सेंटेंस के मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। प्रीफर, लाइक, लव, हेट, दिस टाइप ऑफ वर्ब में इंफिनिटिव्स एंड बोथ जेरंड दोनों रिलेवेंट होता है, ठीक है। फिर लिखा गया ही हेट्स टेकिंग टी, ही हेट्स टेकिंग टी, आप अगर यहां पे टू टेक टी भी बोल दोगे तो वो भी सही है, क्लियर। आई ही हेट्स टू टेक टी या ही हेट्स टेकिंग टी, दोनों बोलना सही हुआ, ठीक है। फिर लिखा गया डिड यू रिमेंबर, अब यहां पे देखोगे ये तो हम लोगों ने एग्जांपल देखा जिसके बाद आप इन्फिनिटिव्स एंड जेरंड दोनों यूज करोगे तो मीनिंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। अब कुछ एग्जांपल्स को देखने की कोशिश करो कि मीनिंग पे कैसे फर्क पड़ जाता, ठीक है, कुछ वर्ब्स के बाद इन्फिनिटिव लिखने पे एंड जेरंड लिखने पे, क्लियर। तो किस सिचुएशन में आप यूज करोगे आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर लिखा गया जैसे एग्जाम्पल लिखा गया डिड यू रिमेंबर टू मीट मिस्टर शर्मा, देखो एग्जाम्पल से आपको समझना है क्या लिखा गया, डिड यू रिमेंबर टू मीट मिस्टर शर्मा, और एक लिखा हुआ है डिड यू रिमेंबर मीटिंग मिस्टर शर्मा। अब देखो दोनों के मीनिंग में क्या फर्क आया। जैसे बाय द वे क्या होता है कि एक कोई भी सीईओ या कोई भी कंपनी का उसके असिस्टेंट जो है बेसिकली उसको याद दिला, अरे आज आपका मिस्टर शर्मा से मीटिंग था, आपको याद है उनसे मिलना, तो क्या बोलोगे, डू यू रिमेंबर टू मीट मिस्टर शर्मा, मिलना अभी बाकी है। अभी हम लोग एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे, जब इन्फिनिटिव्स की बात करते हो तो एक्शन येट टू बी डन होता है, अभी करना बाकी है। जैसे आप बोलोगे आई वॉन्ट टू बाई अ कार, तो क्या कार आपने खरीदा, कार आपने खरीदा नहीं, अब आप आपके माइंड में वो चीज है, अभी खरीदना बाकी है। इट मींस आप इन्फिनिटिव का यूज करते हो तो एक सेंस हमारा ये तैयार होता है कि वो एक्शन येट टू बी डन है, अभी वो करना बाकी है, समझ रहे हो। लेकिन ये लिखा गया डिड यू रिमेंबर मीटिंग मिस्टर शर्मा, तो यहां पे पास्ट में ये इवेंट हो चुका है और कोई बंदा आपको रिकॉल कर रहा है कि आपको याद है कि आप मिस्टर शर्मा से मिला करते थे। डिड यू रिमेंबर मीटिंग मिस्टर शर्मा, ये फर्क आया दोनों के सेंस में, समझ रहे हो ना। फिर लिखा गया आई रिमेंबर्ड टू, ठीक है, क्लोज द डोर, आई रिमेंबर टू क्लोज द डोर, और एक लिखा गया नो आई डोंट लीव द डोर ओपन, आई रिमेंबर क्लोजिंग इट, दोनों में डिफरेंस समझोगे। लिखा गया आई रिमेंबर टू क्लोज द डोर, ठीक है ना, कोई बंदा बोल रहा बेसिकली आते टाइम, ठीक है, गेट लॉक कर देना, तो बोलते हाँ मुझे याद है, ठीक है, आई रिमेंबर टू क्लोज द डोर। लेकिन ये लिखा गया नो आई डोंट, अब जैसे बोला कि बाय द वे घर में क्या हो जाता है, चोरी हो जाता, तो उसे बोला जाता है उस पर्सन से, अरे तुमने गेट लगाया था, तुम गेट लॉक किया था, ठीक है, आई थिंक तुमने गेट ओपन ही छोड़ दिया होगा तभी तो चोरी हुआ। तो ये बंदा बोल रहा है नहीं, ठीक है, नो आई डोंट लीव द डोर ओपन, आई रिमेंबर क्लोजिंग इट, मुझे याद है कि मैंने डोर को क्लोज कर दिया था, समझ रहे हो ना, आई रिमेंबर क्लोजिंग इट, पास्ट में ये एक्शन डन हो गया है, उसको अभी प्रेजेंट में रिकॉल किया जा रहा है, तब हम बेसिकली जेरंड का यूज कर रहे हैं। आपको ये फंक्शन समझ में आया। लिखा गया सी स्टॉप्ड टू टॉक टू हिम, फिर से देखोगे सी स्टॉप्ड टू टॉक टू हिम, अभी कुछ देर पहले भी ये चीज को डिस्कस किए थे, जब एक पर्सन उधर से आ रहे हैं, एक पर्सन, एक बंदा इधर से, अब दोनों एक दूसरे के जानते हैं बेसिकली, तो दोनों रुके किस लिए, बात करने के लिए, तब सेंटेंस बनेगा सी स्टॉप्ड टू टॉक टू हिम। लेकिन जैसे बोला गया सी स्टॉप्ड टॉकिंग हिम, इट मींस वो दोनों में बातचीत करना ही बंद हो गया है, ठीक है, बातचीत बंद हो चुका है दोनों में, तो बोलोगे सी स्टॉप्ड टॉकिंग हिम, ओके, इस टाइप से सेंटेंस तैयार हुआ। फिर लिखोगे आई एग्रीड, तो ये चीज आपको समझ में आया कि कैसे मीनिंग पे फर्क आ रहा है, ठीक है, रिमेंबर एंड स्टॉप के बाद जब इन्फिनिटिव का यूज कर रहे हो तो मीनिंग पे कैसे फर्क आ रहा है और जेरंड पे कर रहे हो तो क्या हो रहा है, ओके। कुछ और एग्जांपल्स आपको लिखा गया उस चीज को फील करोगे, जैसे लिखा गया आई एग्रीड, तो जैसे ही एग्री वर्ब को देखोगे तो एग्री आपको किस लिस्ट में मिलेगा, इन्फिनिटिव से फॉलो किया जाता है, तो इन्फिनिटिव मतलब 2 प्लस वी 1 की बात करोगे तो आई एग्रीड टू लीव, क्या लिखा जाएगा सर, आई एग्रीड टू लीव हिम अलोन, समझ रहे हो। फिर लिखा गया दे प्रॉमिस्ड, तो प्रॉमिस भी बेसिकली कौन से, इन्फिनिटिव से फॉलो किया जाता है, तो दे प्रॉमिस्ड टू बी क्वाइट इन द कार, टू बी क्वाइट, ठीक है ना, ये चीज आपको समझ में आया। एक लास्ट एग्जांपल बेसिकली लिखा हुआ आपके पास आई रिकमेंड, तो रिकमेंड जैसे ही देखोगे तो रिकमेंड किससे, जेरंड से फॉलो किया जाता, लिस्ट आपको माइंड में होना चाहिए, ठीक है, तो लिस्ट कैसे माइंड में, प्रैक्टिस से होगा बस, इसका और कोई उपाय नहीं है, रटना नहीं है बैठ के। आई रिकमेंड डैश चेतन भगत, ठीक है ना, आई रिकमेंड आपके पास लिखा हुआ रीड, तो रिकमेंड के पास बेसिकली हम जेरंड को प्रीफर करते हैं, तो टू रीड बोलोगे या रीडिंग बोलोगे तो जेरंड का फॉर्म तो रीडिंग होता है, ठीक है, तो आई रिकमेंड और रीडिंग चेतन भगत, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बेसिकली कि कौन सा वर्ब जेरंड से फॉलो किया जाता है, कौन से वर्ब के बाद हम लोग इन्फिनिटिव का यूज करते हैं और कौन से वर्ब्स के बाद बोथ यूज किया जा सकता है, किसके में मीनिंग का चेंज आता है और किस वर्ब के बाद मीनिंग में कोई भी फर्क नहीं आता, ये चीज आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट पॉइंट और बचा हुआ है, ठीक है ना, बस 5 मिनट का लेक्चर और,
ओके प्रोसीड करते हैं। ओके गाइस लास्ट कॉन्सेप्ट को बेसिकली डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, दो मिनट में। लिखा गया बेसिकली अगर इंफिनिटिव की बात करोगे तो कोई भी एक्शन क्या होता है, येट टू बी डन, मतलब करना भी बाकी है, ठीक है ना। और आईएनजी की बात करते हो तो क्या होता है, इन प्रोसेस में एक्शन होता है या कॉन्टिन्यूस एक्शन की बात करते हो। अभी हम लोगों ने समझा कि कोई भी प्रीपोजिशनल फ्रेज की बात करो, ठीक है, या प्रीपोजिशन की बात करोगे तो उसके बाद हम लोग जेरंड को प्रीफर करते हैं ना। प्रीपोजिशन का यूज बेसिकली नाउन के लिए ही यूज होता है, नाउन को रिलेट करने के लिए। तो आप यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा कि सर हैबिचुएटेड टू लिखा हुआ, यूज टू, एडिक्टेड टू, ये सब लिखा हुआ था। टू के बाद तो हमने पढ़ा, कल के लेक्चर में पढ़ा कि टू के बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और आज बोल रहे हो कि टू के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कैसे, तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि ये जो एडिक्टेड टू, प्रोन टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, यूज टू, ये सब जो वर्ड यूज किया जाता है, ये एक्चुअली में टू कुछ अलग से नहीं यूज किया गया, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसको आप कंपाउंड प्रीपोजिशन बोलते हो, ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो ये प्रीपोजिशन है एक्चुअली में। तो प्रीपोजिशन के बाद प्रेफर करोगे जेरंड के फॉर्म बेसिकली, ठीक है। तो जेरंड का फॉर्म वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, इसका मतलब ये टू के बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, आपको क्या लिखना होगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। कौन कौन से प्रीपोजिशनल फ्रेज बेसिकली प्रोमिनेंटली यूज होता है, हैबिचुएटेड टू, अकस्टम्ड टू, एडिक्टेड टू, प्रोन टू, लुक फॉरवर्ड टू, विथ अ व्यू टू, यूज टू एंड प्रोन टू। इतना सारा बेसिकली अगर बात करें तो ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज, या इसको कंपाउंड प्रीपोजिशन बोलते हैं। और इनफैक्ट अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसके बाद हम लोग जेरंड को प्रीफर करेंगे, ये आपको समझ में आया, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल आप लोग देखा गया आई वांट, तो हम लोगों ने समझा कि वांट के बाद जो भी वर्ब प्रीफर करते हैं वो जेरंड का फॉर्म होता है या इन्फिनिटिव का फॉर्म होता है, ठीक है। आप लोग खुद बोल रहे हो कि इन्फिनिटिव का फॉर्म होता है, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा, आई वॉन्ट टू बाई सी डिसाइडेड, ठीक है, डिसाइडेड, डिसाइड के बाद भी हम लोग क्या लिखते हैं, पे, ठीक है ना। फिर लिखा गया आई रिमेम्बर, रिमेम्बर टू ब्रिंग भी बोलना सही हुआ, हम लोगों ने समझा कि रिमेम्बर के बाद अब जेरंड भी बोलोगे वो भी सही है, ठीक है, एंड इन्फिनिटिव भी बोलोगे तो वो भी सही है, जेरेंड एंड इन्फिनिटिव दोनों बोलना सही हो, रिमेंबर में मीनिंग में क्या फर्क पड़ा है वो भी समझोगे। ही इज कॉन्फिडेंट, अब कॉन्फिडेंट का एक पार्टिकुलर प्रीपोजिशन ऑफ यूज होता है कॉन्फिडेंट के साथ, ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ, ठीक है, कॉन्फिडेंट ऑफ, जैसे ही ऑफ बोलोगे तो इसके बाद आपको जेरेंड लिखना होगा, तो क्रैक का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा सर, क्रैकिंग, ठीक है। राहुल इज गुड, फिर से गुड के बाद अगर एट लिखोगे, गुड के साथ ऑलवेज प्रीपोजिशन और एट यूज होता है, ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट कम्युनिकेशन स्किल, ही इज गुड एट सिंगिंग, ही इज गुड एट डांसिंग, ऐसे बोलोगे एट, ठीक है ना। तो राहुल इज गुड एट डैश सॉन्ग, गुड एट, ठीक है, प्लेइंग वेरियस, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जो हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी बात की जा रही है। देखा गया सी हैज कम हियर विथ अ व्यू टू, विथ अ व्यू टू, अभी देखा हम लोगों ने विथ अ व्यू टू की बात करें तो टू के बाद आप लोग देखकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखने की गलती ना करोगे, ठीक है। विथ अ व्यू टू की बात करें तो ये कंपाउंड प्रीपोजिशन हुआ, इस वजह से वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो ज्वाइन का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग द क्लब, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो फिर से टू देखकर व्यूअर लिखने की गलती नहीं करोगे, आईएनजी फॉर्म, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ओके। ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, हमेशा आपको लिखा हुआ मिलेगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ओके। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, ओके। तो सारा चीज कवर कर लिए, ओके। आई होप बेसिकली इतना लेंथी बेसिकली हुआ होगा, 30-40 मिनट का हुआ लेक्चर, लेकिन आपका जो कहीं ना कहीं पे अधूरा कुछ नॉलेज होगा वो कंप्लीट करने की कोशिश की गई, ठीक है ना। आप आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ओके। आप इसका नोट्स बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखकर बना सकते हो, ओके, सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इन्फिनिटिव हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है, इन्फिनिटिव सीख गए, जेरंड को समझ लिया, नेक्स्ट लास्ट लेक्चर हमारा नॉन फाइनाइट का होगा, पार्टिसिपल को समझेंगे, ठीक है ना, पार्टिसिपल्स को समझेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, एंड परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक है ना, ओके। तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड थैंक यू।